अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल अबू बकर 3D ज्वेलरी डिज़ाइन। सो दोस्तों, थंबनेल पर तो आप लोगों ने देख ही लिया होगा कि जो चीज़ मैं आप लोगों को आज सिखाने जा रहा हूँ वो क्या चीज़ है, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ क्योंकि बहुत से लोगों ने थंबनेल पर देखा भी नहीं होगा, पढ़ा नहीं होगा कि मैंने क्या उस पर क्या लिखा हुआ है। मैं इंशाल्लाह ताला आज आप लोगों को मैट्रिक्स आर्ट को यूज़ करते हुए रिंग बनाना बताऊँगा, और मैट्रिक्स आर्ट को यूज़ करते हुए ही बताऊंगा कि हम किस तरह से अपना जो टेक्सचर है, खुद का टेक्सचर किस तरह से मैट्रिक्स आर्ट में क्रिएट कर सकते हैं, और उसको क्रिएट करके किस तरह से हम यानी कि रिंग वगैरह के ऊपर या किसी भी चीज़ के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। तो ध्यान से देखिएगा आज की वीडियो को, क्योंकि आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है उन लोगों के लिए जो अभी बिगनर हैं या सीख रहे हैं काम और मैट्रिक्स आर्ट के मुतल्लिक अभी कुछ नहीं जानते, उन लोगों के लिए तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस वीडियो को कम्प्लीट लाजमी देखिएगा क्योंकि बहुत से पॉइंट आप लोगों के आज क्लियर हो जाएंगे। तो मैं स्टार्ट करता हूँ आज के इस टॉपिक को। तो सबसे पहले तो मैं इसके लिए एक सर्कल लूँगा, यहाँ से सर्कल ड्रॉ करूँगा, ठीक है। रिंग रेल जो भी मैंने रिक्वायर्ड मैंने लिया है ये 19 नंबर, ठीक है। और स्विस का हमेशा याद रखिएगा, यहाँ से रिंग रेल जब भी आपने लेना है स्विस का लेना है, जो भी आपको रिक्वायर्ड हो आपका परफेक्ट साइज आएगा। यहाँ से इसको प्ले कर दिया मैंने, ठीक है। प्ले करने के बाद अब मैंने क्या करना है, यहाँ से पहले इसका ऑफ साइड लेना है ऊपर की तरफ, जितनी मुझे मोटाई चाहिए जो भी मुझे चाहिए, ठीक है। ये मैंने ऑफ साइड लिया, पहले चक्के की हाइट मैंने लेनी है, चक्के की जो भी हाइट मुझे चाहिए जो भी रिक्वायर्ड है। पहले चक्का हम लगाएंगे इसका तकरीबन 1.5 का, ठीक है, ये 1.5 mm इसका चक्का लगेगा। उसके बाद अब हमने इसको बोथ साइड यहाँ पे ऑफ साइड करना है, ठीक है। ये हमने बोथ साइड ऑफ साइड करना है इसको यहाँ ऐसे। टोटल हमने चौड़ाई लेनी है इसकी 7 mm, यानी कि 3.5 एंटर, ठीक है। ये 3.5 एंटर हो गई। उसके बाद इस वाले कर्व को अब हमने यहाँ पे लेना है 1.5, जिसके अंदर हमारे स्टोन्स लगेंगे, और इसको हम यहाँ पे ऐसे यहाँ पे मिरर कर देते हैं। इन दोनों कर्वों को हम ये वाला कलर देके फिलहाल बंद कर देते हैं, क्योंकि ये सेंटर वाले कर्व है हमारे। मैं आपको एक दफ़ा फिर दिखा देता हूँ ये वाले, इन दोनों को मैंने बंद कर दिया। अब हमने क्या करना है, सबसे पहले इनकी चौड़ाई देख लेते हैं, बीच का गैप कितना है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ ऐसे और ये चीज़ और ये चीज़, 4 mm, ओके, नो प्रॉब्लम। अब हमने क्या करना है, इसको मैं पहले दोनों को लॉफ्ट कर लेता हूँ यहाँ से, ठीक है। ये हमने लॉफ्ट किया ऐसे, ठीक है, ये लॉफ्ट हो गया और ये भी लॉफ्ट हो गया। अब मैंने इन दोनों को यहाँ पे गेज दे देना है यहाँ पे, ठीक है। जितना ऊपर की तरफ इसको मैं गेज दूंगा, क्योंकि नीचे की तरफ हमने चक्का बनाना है, ठीक है। इसको मैं गेज दूंगा ऊपर 0.5, ये 0.5 का मेरा गेज आ गया। अब यहाँ से इसको किया प्लास्टिक, और इसको हमने यहाँ से पकड़ के इन दोनों को मैंने यहाँ से कर्वों को मैंने जो कर्वे ली थी इनको मैं फिलहाल हाइड कर देता हूँ। और यहाँ से मैंने एक आइसो कर्व लेना है और इसको यहाँ से सेंटर में लगाना है, बिल्कुल परफेक्ट सेंटर हमारा बनेगा जो भी। इसका यहाँ से लेयर चेंज की और ग्रीन लेयर में आए, और यहाँ मिड में इसको यहाँ मिड में लगा देंगे ऐसे, ये मिड में लगा दिया हमने। उसके बाद अब हम क्या करेंगे, इस कर्व को लेंगे और यहाँ से F6 दबाएंगे, जेम ऑन कर्व। उसके बाद इसको बंद करेंगे, यहाँ से लेयर स्नैप बंद करी, F4 डाउन एंड देन ये सरफेस ऑब्जेक्ट, सरफेस पे क्लिक करेंगे, और यहाँ सबसे पहले साइज हम सेलेक्ट करेंगे 1.3 एंटर, और यहाँ से करेंगे एंड ये चीज़, यहाँ से भी करेंगे एंड ये चीज़, ठीक है। ये हमारे दोनों एंड हो चुके हैं, और इसकी जो स्पेसिंग है वो हम करेंगे यहाँ से भी कर सकते हैं, लेकिन मैं मोस्टली यहाँ से करता हूँ, ठीक है। यहाँ से इस तरह से ये मैं यहाँ से कम करता, मैं इधर से नहीं करता। उसके बाद राइट क्लिक करेंगे और ये हमने स्टोन सेलेक्ट हो गए। अब हमने क्या करना है, यहाँ से कटर्स में जाएंगे और ये ले, ये है हमारे जेम कटर। इसको क्लिक करने के बाद विंडो खोलेगी और इस कटने को इसमें ऐसे डाल देंगे। अब हमने क्या करना है, यहाँ बैक पे जाके आप देखें कटर जो है हमारे पीछे से छोटा है ऊपर से बड़ा है, तो अब यहाँ से पहले कटर को भी हम थोड़ा सा बड़ा करेंगे ताकि पीछे से जो इसकी होल आवाज़ खुले, जो भी हम कटर लगाएं तो पीछे से भी हमारा कटर बड़ा और अच्छा खूबसूरत आए, ठीक है। अब अगर आपको लगे कि नगीनों के दरमियान फासला ज़्यादा है, यानी कि बीच में जो गैप है वो कम है और ये नगीने आपस में टकरा सकते हैं, तो आपने क्या करना है, यहाँ से कटर छोटा कर देना, यानी कि 100% पे है तो कटर को आप यहाँ से 97 पे कर दें। जैसे मुझे लग रहा है यहाँ पे थोड़ा फासला कम है, जिसने स्टोन सेटिंग करनी है वो अपने हिसाब से इसके अंदर स्टोन को खुद ही, जो जगह होगी स्टोन की वो खुद ही बड़ा कर लेगा। अब हम राइट क्लिक करते हैं और इसको क्लिक करके सरफेस को कंट्रोल बी दबाते हैं। आप कंट्रोल बी दबा लें या फिर यहाँ सॉलिड में जाके ये बुलियन की कमांड पकड़ लें, दोनों एक ही तरीका, यहाँ से पकड़ लें या कंट्रोल बी दबा लें। अब हम करेंगे सेलेक्ट सरफेस, ठीक है, राइट क्लिक, सॉरी सरफेस, कंट्रोल बी, अब कटर और राइट क्लिक, ये हमारे पास कटर यहाँ पे लग जाएंगे ऐसे। अभी देखिएगा कटर हमारे पास लग जाएंगे यहाँ पे, थोड़ा सा वेट करते हैं, ये कटर लग गए हमारे पास। उसके बाद इसको हमने ये देखें, ये कटर हमारे यहाँ पे लग चुके हैं।
अब अपने नगीनों को पकड़ना है, उसके बाद सेटिंग में जाएंगे और ये हमारे पास है प्रॉन्ग एडर, इसको खोलेंगे और यहाँ जाके तमाम स्टोन्स को इसमें डाल देंगे। ठीक है, सबसे पहले तो हमने यहाँ पे साइज सेलेक्ट करना है प्रॉन्ग का, कितना मोटा हमें जंग रखना है, क्योंकि नगीना बहुत छोटा है हमारा, जब नगीना छोटा होता है जंग को भी बारीक कर लेते हैं हम, यहाँ पे 0.45 कर देते हैं। ठीक है, सेम वैल्यू लिखेंगे दोनों में 0.45, यहाँ पे हाइट लिखेंगे इसकी 65 और यहाँ पे भी लिखेंगे 65। आपको जो रिक्वायर्ड हो आपने वो लिख लिया, मेरी वैल्यू के ऊपर नहीं आपने चलना, मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूँ। यहाँ से इसको ड्रॉप करेंगे 0.15, ये मैं हमेशा यही रखता हूँ, और न्यूट कर देते हैं यहाँ से 0 और राइट क्लिक, ये हमने किया राइट क्लिक, तो देखिए हमारे जंग नगीने के मुताबिक जंग हमारा परफेक्ट है और बिल्कुल ठीक लग रहा है। अगर 0.5 का लगाऊंगा तो 0.5 का जंग नगीने के मुताबिक बड़ा लगेगा, जो स्टोन भी बड़ा होगा तो जंग भी हमने मोटा करना है, और जो हमारा स्टोन बारीक होगा तो उसके साथ हमने जंग को भी बारीक करना है। अभी सरफेस लेंगे, प्रॉन्ग लेंगे, कंट्रोल क्यू दबाएंगे, ग्रुप हो जाएगा, उसके बाद इसको हम ये वाला कलर दे देते हैं ग्रीन, एक कलर देते हैं ऐसे और इसको भी साथ ग्रुप कर लेते हैं, ये मैंने ग्रुप कर लिया। अब इसको हमने किया डिलीट, इसको किया यहाँ से ऐसे मिरर, ये हमारा मिरर हो गया। अब हमने इसको खोल लिया सरफेस को यहाँ ऐसे, ये वाली सरफेस हमारे पास ये वाली, ठीक है, जो भी हमारे पास ये वाली थी हमारे पास। अब सबसे पहले तो हम इसका डुप्लीकेट एज लेते हैं यहाँ से, ताकि इसका चक्का भी मुकम्मल कर लें। ये डुप्लीकेट एज लिया मैंने और यहाँ से राइट क्लिक और यहाँ से 1.5 ओके, इन दोनों को मैंने किया लॉफ्ट। ठीक है, ये मेरे पास चक्का बन गया इसका। अब इसके बाद हम यहाँ से इसको यहाँ पे करते हैं 0.5 और इसको कर देते हैं मिरर ऐसे, और यहाँ ऐसे इसको ये कर दिया हमने। ठीक है, उसके बाद इन दोनों कर्वों को हमने कर दिया यहाँ से डिलीट, ये हमारे पास डिलीट हो गए। अब हमने देखिए ये हमारे पास रेडी हो गया, इस यहाँ तक का पोर्शन हमारे पास रेडी हो चुका है। अब हमने क्या करना है, अब हमने इसके अंदर यहाँ पे टेक्सचर को अप्लाई करना है खुद से बना के, वो कैसे करना है वो मैं आपको अब समझाता हूँ। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पे एक सरफेस बनाऊंगा डुप्लीकेट एज लेके इसके, ठीक है, यहाँ पे डुप्लीकेट एज लिए मैंने और इन दोनों को मैंने लॉफ्ट कर लिया ऐसे। ठीक है, ये लॉफ्ट किया मैंने सरफेस को, ये लॉफ्ट हो गई। अब इसको मैंने बंद कर दिया, स्टोन्स ही मैंने बंद कर दिए और इसको मैंने ये वाला कलर दे दिया यहाँ ऐसे। ठीक है, ये कलर आ गया मेरे पास। अब मैंने क्या करना है, इसको यहाँ पहले मैं इसका लूँगा स्मैश। ठीक है, यहाँ पे एस एम ये मैंने स्मैश लिया, राइट क्लिक और यहाँ पे देखें लिखा हुआ लेबल्स और आगे लिखा हुआ नो, हमने इसको करना है यस, उसके बाद राइट क्लिक, ये सरफेस मेरे पास इस तरह से कुछ आ जाएगी। लेकिन इस सरफेस को निकालने से पहले हम इसका जो टेक्सचर जो हमने अप्लाई करना है वो बना लेते हैं, या इस सरफेस को भी रहने देते हैं, कोई मसला नहीं है। ये कर्व जो है मैं इसका डिलीट कर रहा हूँ, ज़रूरत नहीं है मुझे कर्वों की। और इस सरफेस को लेके मैं इसमें हाइड कर देता हूँ, जैसे कि इस लेयर में ये मैंने हाइड कर दिया और इसको मैंने ये वाला कलर दे के यहाँ से लॉक कर दिया, बंद कर दिया। अब सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, अपना टेक्सचर खुद अप्लाई करेंगे जो भी हमने बनाना है। जैसे कि मैंने बनाया हुआ है, यहाँ पे सॉलिड में जाएंगे और सॉलिड में जाके F4 दबाएंगे, मैंने ये वाला टेक्सचर बनाया, इसको यहाँ ऐसे रखेंगे थोड़ा सा नीचे ऐसे, और इसको यहाँ ऐसे खोलेंगे, उसके बाद साइड व्यू में जाएंगे, थ्रू फिंगर में सॉरी, और यहाँ इसको ऐसे बनाएंगे ये चीज़। अब हम क्या करेंगे, इसको यहाँ से थोड़ा सा बेंड करेंगे ऊपर की तरफ, यहाँ पॉइंट रखा और इसको हल्का सा बेंड किया ऊपर की तरफ ऐसे, उसके बाद थ्रू फिंगर में जाके इसको बेंड यहाँ से पकड़ा और यहाँ बोथ साइड बेंड कर देंगे इसको ऐसे, ये चीज़ सिमेट्री और ये चीज़ ऐसे, ये हमने ऐसे बेंड कर दिया, ये हो गया हमारा ओके। अब हमने क्या करना है, ये हमारा यहाँ से ऐसे हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, इसको हम करेंगे केज एडिट। केज एडिट करने के बाद यहाँ से ये चीज़ बाउंडिंग बॉक्स सी प्लेन, हमें यहाँ पॉइंट जितने भी चाहिए हम यहाँ पे क्लिक करके वो पॉइंट लिख सकते हैं, लेकिन हमें फ़िलहाल 4 की ही ज़रूरत है, हम राइट क्लिक कर देते हैं। अब ये पकड़ा और इसको ऐसे यहाँ लिया, सॉरी ये वाले पॉइंट पकड़ के हमने इसको यहाँ ऐसे लाएंगे और इसको ऐसे बड़ा करेंगे ये चीज़। ठीक है, और इसको मज़ीद ऐसे कर देते हैं और इसको यहाँ से मज़ीद खोलते हैं ये चीज़, और इसको ऐसे करेंगे यहाँ पे ये चीज़ लाएंगे और इसको यहाँ पे हल्का सा ऐसे कर देते हैं ये चीज़। अब स्केप करा और इसको हमने डिलीट करा, हमारे पास ये टेक्सचर बन गया यहाँ पे। ठीक है, मतलब टेक्सचर नहीं बना, अभी हमारे पास ये पीस बन चुका है यहाँ पे। ठीक है, अब हमने क्या करना है, इसके जितनी भी तादाद हमें चाहिए वो हम यहाँ पे कर लेते हैं। जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ अरे A RR Y, सबसे ऊपर अरे की कमांड। अब यहाँ पे मैं लिखता हूँ तकरीबन इसका मैं लिख देता हूँ 20, एंटर और 20 एंटर। यहाँ पे आपने एक ही रहने देना है, इसको पकड़ा, पॉइंट यहाँ रखा। अब हमने यहाँ पे इसका
तो अब हमने इसका पॉइंट यहाँ से रखना है और इसको हमने ऐसे खोल देना है यहाँ पर। अब इसको इसके साथ बिल्कुल यहाँ ऐसे मर्ज नहीं करेंगे, बिल्कुल इसकी जो स्नैप वगैरह बंद कर देंगे हम यहाँ से, और थोड़ा सा गैप रखेंगे इसके दरमियान ना, इसको भी बंद किया हमने, और हल्का सा गैप रखते हैं यहाँ कुछ इस तरह से, ऐसे ये बिल्कुल ऐसे। ठीक है, हमने रख लिया। अब हमारे पास ये आ गया टेक्सचर। ठीक है, इसको अब हमने यहाँ से करना है राइट क्लिक, और हम राइट क्लिक करने के बाद हमारा ये ओके हो जाएगा। ठीक है, तो ये फाइल काफ़ी हैवी हो जाएगी, तो इसलिए हम थोड़ा सा इसको ग्रुप कर लेते हैं, और ग्रुप करने के बाद इसका डुप्लीकेट निकालते हैं यहाँ ऐसे। यहाँ से मैं इसका डुप्लीकेट लेता हूँ कुछ यहाँ से, और यहाँ पर मैं इसका डुप्लीकेट ऐसे यहाँ रख देता हूँ। ठीक है, ये मैंने ऐसे रख दिया यहाँ पर इस तरह से, ये यहाँ पर ये आ गया। उसके बाद अब हमने क्या करना है, ये टेक्सचर में इसलिए ज़्यादा बना रहा हूँ ताकि जब हम तस्वीर इसकी बनाएंगे तो हमारा ये टेक्सचर पूरा पूरा इसके अंदर आराम से आ जाए। ठीक है, अभी आपको समझ में आ जाएगी कि इतना टेक्सचर में क्यों ज़्यादा बना रहा हूँ, अभी आपको खुद ही ये बात मेरी समझ में आ जाएगी। अब इसका डुप्लीकेट पूरे का हमने लिया, इसको जूम करा, और यहाँ इसको ऐसे मर्ज कर देंगे हल्का सा इसके अंदर भी, ताकि ये गैप आ रहा है ये भी ख़त्म हो जाए। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा हैवी हो रहा है टेक्सचर, इसलिए मेरा लैपटॉप थोड़ा सा स्लो हो रहा है। ये देखें ना, बिल्कुल उसके अंदर मर्ज हो गया, यानी कि काफ़ी ज़्यादा जूम हो गया हमारा टेक्सचर। अब हम इसको यहाँ ऐसे यहाँ पर ले आते हैं इस तरह से, ये मर्ज हो गया, और यहाँ पे छोड़ दिया इसको, और राइट क्लिक कर दिया। अब हमने कंट्रोल दबा के बैक किया। ठीक है, कंट्रोल और राइट क्लिक दबा के ये हमने बैक कर लिया यहाँ पे ऐसे। अब हमने क्या करना है, ये देखें कुछ ये इतना, अब ये सरफेस, अब हमने इसको ये चीज़ लेनी है कि हमने इतना सारा टेक्सचर इसलिए बनाया था कि जो बैक की ये हमारी विंडो है ये नज़र ना आए। ठीक है, क्योंकि ये नज़र आएगी तो फिर हमारे टेक्सचर के अंदर ये भी अप्लाई हो जाएगी। अब हमने क्या करना है, अब हमने जाना है आर्ट में यहाँ से, और ये हमारा मैट्रिक्स आर्ट खोलना है। मैट्रिक्स आर्ट खोलने के बाद अब हमने यहाँ पर जाना है, ये देखें ये लिखा हुआ कन्वर्ट टू बिट मैप। ठीक है, कन्वर्ट टू बिट मैप, अब हमने इस पर क्लिक करना है। लेकिन पहले क्या करना है, पहले हमने यूटिलिटी में जाना है। यूटिलिटी में जाने के बाद यहाँ एक कमांड थी, कहाँ गई इस जगह पे, सॉरी अभी हमें थोड़ी ढूंढनी पड़ेगी, मेरे भी जेन से निकल गई, लेकिन बैठे बैठे ही जेन से कमांड मेरे चली गई, कोई मसला नहीं है। अभी हम यहाँ पे देख लेते हैं कमांड वो किधर है हमारी। ठीक है, नहीं ये भी नहीं थे, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, कौन सी कमांड थी, मैं कन्वर्ट टू बिट मैप, यहाँ पे मैच फ्रॉम UVN, शो एज, नहीं ये भी नहीं है, अभी देखते हैं यहाँ पर। तो यहाँ से अब हमने क्या करना है, सबसे पहले वो कमांड यहाँ पे ये देखें लिखा हुआ शो जेड बफर। ठीक है, अब हमने इस पर क्लिक करना है ये वाली कमांड के ऊपर। ठीक है, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये हमारे पास तमाम का जो ये टेक्सचर था हमारा जो हमने बनाया था अभी, ये वाइट हो जाएगा। अब हम इसको इस्तेमाल करेंगे, ये लिखा हुआ कन्वर्ट टू बिट मैप, इस पर करेंगे क्लिक। अब वो पूछ रहा है सेलेक्ट एरिया टू सेव, अब सेव एज बिट मैप। ठीक है, हम इतना एरिया जो हमने टेक्सचर का बनाया हुआ इतना एरिया हम यहाँ से ऐसे सेलेक्ट करेंगे ये चीज़। ठीक है, जब ये सेलेक्ट करेंगे तो हमें हमारे कंप्यूटर में ले जाएगा कि अब आपने पिक्चर कहाँ पे सेव करनी है इस टेक्सचर की। अब हम यहाँ पे डेस्कटॉप के ऊपर कोई भी नाम दे देते हैं 76, और इसको ओके कर देते हैं। ठीक है, अब हमने वापस इस कमांड को यूज़ करना है, इसको दबाना है, यानी कि इस पर जब करेंगे तो ये दोबारा ग्रीन हो जाएगा। अब हम लेयर चेंज करके इसको बंद कर देते हैं। अब हमने क्या करना है, बैक थोड़ा सा F7 दबाते ताकि विंडो हमारी वापस आ जाए। देखें काफ़ी ज़्यादा पीछे चलेगा इसके। अब हमने जो सरफेस थी वो खोल ली है यहाँ पर, ये मैं परस्पेक्टिव में चला जाता हूँ ताकि क्लियर हो जाए सारी चीज़ें, और ये सरफेस ये रही हमारी। ठीक है, अब हमने क्या करना है, इसके ऊपर इसको अप्लाई करना है। वो कैसे करेंगे, पहले मैं इसका बॉर्डर लेता हूँ, डुप्लीकेट बॉर्डर, ये ऐसे और ये ऐसे। ठीक है, इसको मैंने बंद कर दिया। अब हमने क्या करना है, इस कर्व को लिया और इसमें ऐसे इंक्लूड कर दिया, ये मैंने यहाँ डाल दिया इसको कर्व को, और उसके बाद थोड़ा सा ऊपर किया इसको, इसको मैं सरफेस को यहाँ ऐसे ले आता हूँ यहाँ पर, इसको मैंने पकड़ा और यहाँ ले आता हूँ इस जगह पर। ठीक है, इसको मैं यहाँ ले आया कुछ इस तरह से। ठीक है, और थोड़ा सा ऊपर किया यहाँ पर। अब मैंने ये प्रोफाइल यहाँ पर क्लिक करके प्रोफाइल को करना चेंज, ये वाला लिया सेलेक्ट किया, और इसको थोड़ा सा मैंने दोबारा ऊपर किया यहाँ ऐसे, और यहाँ ऐसे कर दिया ये चीज़। उसके बाद यहाँ से ये चीज़ थोड़ा नीचे किया, यहाँ से इसको ऐसे, ये बिल्कुल प्लेन सरफेस हमारी यहाँ पे आ चुकी है। ठीक है, सरफेस हमारी प्लेन हो गई अब यहाँ पे। अब हमने क्या करना है, अब हमने जाना है पिक्चर्स में। ठीक है, यहाँ पे गए पिक्चर में, पिक्चर में जाने के बाद यहाँ पे अब हमने क्लिक करना है या लोड बिट मैप, जहाँ आपका दिल करे।
यहाँ पर क्लिक किया, अब हमने वो टेक्चर वाली पिक्चर उठानी है जो हमने टेक्चर खुद बनाया है। डेस्कटॉप पे जाएंगे, यहाँ से ये रहा वो 76, ठीक है, इस पर क्लिक किया और यहाँ से ओपन कर दिया। जब यहाँ से ओपन करेंगे तो ये हमारा टेक्चर अभी यहाँ पे आ जाएगा। ये देखिए ये हमारा टेक्चर यहाँ पे आ गया, ठीक है। अब हमने क्या करना है, सबसे पहले तो यहाँ से हम इसको कर देंगे टाइल बिटमैप ताकि ये पूरे पे आ जाए, ठीक है। ये आ गया पूरे के ऊपर। अब हमने क्या करना है, यहाँ से सबसे पहले बिटमैप की हाइट 1 mm की है, हम 0.5 कर देते हैं। ये एंटर 0.5 एंटर हाइट कर दी हमने। अब हमने क्या करना है, यहाँ से इसकी रिप जो है वो कम करनी है, यानी कि चौड़ाई वगैरह टेक्सचर को बारीक करना है ऐसे। ये बारीक किया हमने टेक्सचर, ये देखें टेक्सचर हमारा बारीक हो गया इस तरह से। और इसको ये चीज़ ऐसे ज़्यादा बारीक भी नहीं करना ताकि अप्लाई होते वक्त ये डिस्टर्ब ना करे, ठीक है। ये हो गया। अब हमने क्या करना है, इसको ऊपर नीचे यहाँ से करने की तो ज़रूरत नहीं है, आपको पता ही मैंने सब बताया हुआ है आपको, ठीक है। इसको ज़रूरत नहीं है कि हमने बेसिकली इस टेक्सचर को सेंटर में रखना है। अब यहाँ से इसको जितने भी 16 पे 17 पे आपका दिल करे वहाँ रख के इसको यहाँ से अपडेट रेजोल्यूशन करें तो ये क्लियर हो जाएगा यहाँ से। अब हम जाएंगे सेकेंड विंडो में, थर्ड में, यहाँ से बोथ एंड करेंगे और यहाँ से इसको हाई करेंगे। जब हाई करेंगे तो ये हमारा और मज़ीद क्लियर हो गया, ठीक है। और यहाँ से इसको अब हम यहाँ पे ये लिखा हुआ क्रिएट मैच, इस पर करेंगे क्लिक। ये क्रिएट मैच से मैंने क्लिक किया और यहाँ से इसको मैंने क्रॉस करना है अब, ठीक है। यहाँ से इसको मैं कर दूंगा क्रॉस, ये मैंने क्रॉस किया और प्लास्टिक व्यू में चला गया। तो ये देखें हमारा यहाँ पे ये टेक्सचर अप्लाई हो चुका है। अब इसको हम कर देंगे ब्लास्ट, मैंने ब्लास्ट किया, सरफेस को मैंने डिलीट कर दिया। अब देखिए हमारा टेक्सचर ये खुद का जो बनाया हुआ था वो यहाँ पे आ चुका है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से इस कर्व, जो कर्व है हमारा, इसको मैं फ़िलहाल ये वाला कलर देके बंद कर देता हूँ। अब ये हमारे पास है, ठीक है। अब हम क्या करना है, स्मैश को यहाँ पे, स्मैश हमारा काम नहीं करेगा। अब हमने स्मैश के बजाय ये वाला, सॉरी स्मैश मैंने ले लिया था, स्मैश हमारा काम नहीं करेगा क्योंकि यहाँ पे ये मैश फाइल है और यहाँ पे ये हमारी पॉली सरफेस है तो इसके ऊपर मैश ही काम करेगा। तो यहाँ पे ये देखें ये हमारी जो फाइल है ये है मैश, ठीक है, और नीचे फाइल जो सरफेस हमारी पॉली सरफेस है। अब इसको अप्लाई करेंगे तो ये अप्लाई यहाँ पे नहीं होगा, देखें मैं आपको दिखाता हूँ। सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है, हो रहा है, नो प्रॉब्लम। इसके बाद ये सिफर, और सिफर के बाद यहाँ पे भी इसको हम सिफर, ये हमारा टेक्सचर यहाँ पे अप्लाई हो गया, ठीक है। सॉरी यहाँ मुझे थोड़ा सा ये डाउट हो रहा था कि ये हमारे मैश फाइल है तो ये अप्लाई नहीं होगा, लेकिन ये अप्लाई हो गया। लेकिन अगर आपका यहाँ पे बाज़ुकात मैश फाइल जो है अप्लाई यहाँ पे ना हो रही हो, यानी सिलेक्ट ना हो रही हो, तो आपने इसको मैश फाइल को सिलेक्ट करना है। यहाँ पे लिखना है नर्व्स, NUR, ठीक है, लिखा हुआ मैश टू नर्व्स, ठीक है। जब आप इसको इसमें कन्वर्ट करेंगे यानी इस कमांड को यूज़ करेंगे तो ये मैश फाइल को आपको आपकी मैश फाइल को पॉली सरफेस में कन्वर्ट कर देगा और उसको आपको अप्लाई करने में भी आसानी रहेगी। लेकिन यहाँ हमें ज़रूरत नहीं पड़ी, इसने मैश फाइल को ही हमारी आराम से अप्लाई यहाँ पे कर दिया, ठीक है। लेबल ऑन किए हमने और ये मैश फाइल अप्लाई हो गई। उसके बाद अब हमने इसके नगीने भी खोल लिए और यहाँ से जो ये ब्लू वाली लेयर हमने इसको बंद कर दिया, ठीक है। ये हमारा यहाँ पे ऐसे आ गया, ठीक है। अब हम इसका टेक्सचर को अगर घुमा देते हैं ऐसे करते हैं, देखते हैं क्या होता है हमारे पास। ये टेक्सचर हमारा घुमा नहीं, ठीक आ गया, ये हमारा ऐसे आ गया, ठीक है। ये हमारी जो है टेक्सचर वाली जो रिंग है, ये हमारा अपना ऑन टेक्सचर जिसे हमने बनाया है खुद से, ये हमारा यहाँ पे बन के अप्लाई भी हो चुका है, ठीक है। ये हमारा यहाँ पे अप्लाई हो गया और किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। अब हमें इसको मैश फाइल को सिलेक्ट करना है, मैश में जाएंगे, यहाँ से ऑफसाइड मैश इस पर क्लिक करेंगे, ठीक है, और यहाँ सॉलिड पे क्लिक करेंगे। जितना भी गेज देना है वो हम देंगे, 0.3, 0.4, 0.5, जो भी आपको रिक्वायर्ड हो। मैंने 0.3 दे दिया। अब यहाँ से इसको, ये देखें ये चीज़ आ गई। अब यहाँ से मैं करूँगा स्मूथ, SMO, ठीक है, ये स्मूथ, और स्मूथ मैं कर दूँगा इसको तकरीबन 1 mm ज़्यादा करूँगा, ठीक है, ताकि ये टेक्स्चर हमारा क्लियर हो जाए। अभी जितनी हमें चीज़ नज़र आ रही है ये इसमें नज़र आ रही है, वैसे ये आएगी नहीं, ठीक है। हमारा टेक्स्चर और मज़ीद क्लियर हो गया यहाँ पे, ठीक है। तो ये थी हमारी आज की रिंग और ये आज का टॉपिक कि किस तरह से हम मैट्रिक्स आर्ट के अंदर खुद अपना टेक्सचर बना सकते हैं और उसको किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं। मैंने तो आपको ये टेक्सचर बनाना बताया, आप इसके अंदर कुछ भी बना सकते हैं, कोई पत्ते बना लें, किसी किस्म का कोई टेक्सचर बना लें, उसको बना के खुद से अप्लाई आराम से ईजिली कर सकते हैं। कहीं से आपको गूगल पर जाके कोई टेक्सचर वगैरह उठाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ईजिली आप अपना खुद का टेक्सचर बनाएं और यहाँ पर आराम से अप्लाई कर सकते हैं। आई होप सो कि आपको आज की वीडियो अच्छी भी लगी होगी और जो चीज़ मैंने आपको समझाई आप लोगों के लिए वो हेल्पफुल होगी, मददगार साबित होगी, और इसमें काफ़ी कुछ आप लोगों को पॉइंट जो है वो समझ में आए होंगे, सीखने को मिले होंगे। अगर कुछ भी आपको इसके अंदर सीखने को मिला हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा और वीडियो को यार लाइक ज़रूर कीजिएगा।
और फर्स्ट टाइम मैं चैनल पर, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिएगा ताकि इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो टाइम टू टाइम आप लोगों तक पहुँचती रहे। मैं इंशाल्लाह ताला आप लोगों से मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छे और नए टॉपिक के साथ। दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।